अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक लाइक आयशा यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाना सिखाऊंगी फॉन्डेंट मार्बल केक। किस तरह से हमें चार कलर्स को मिक्स कर ये मार्बल लुक देना है ये सिखाऊंगी, और किस तरह से हम इसके ऊपर क्रीम से कवर करेंगे ये दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें हम बनाते हैं आज ये खूबसूरत सा मार्बल केक। आज की जो है रेसिपी वनीला व्हाइट स्पंज केक की रेडी है। अब हम तैयार कर लेते हैं क्रीम, बटर क्रीम, जो कि हम कवर करेंगे अपने स्पंज को। और फोंडेंट के लिए जो रेसिपी है बटर क्रीम की वो बता रही हूँ मैं आपको, वो नोट कीजिए। और ये अमेरिकन बटर क्रीम है, बहुत तरह की बटर क्रीम्स होती हैं, फ्रेंच बटर क्रीम होती है, स्विस मैरिन बटर क्रीम है, तो बहुत सारी बटर क्रीम है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब सिखाऊंगी, बट आज की जो बटर क्रीम है ये मैं स्पेशली बना रही हूँ फोंडेंट के लिए। तो आज की इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। हमें चाहिए 200 ग्राम आइसिंग शुगर, यानी कि शुगर पाउडर, और यहाँ पे है 200 ग्राम्स बटर, 250 ग्राम्स, और यहाँ पे है मेरे पास 100 ग्राम शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग जो है आप अपने घर पे बहुत इजीली घी से ठंडे घी को मेल्ट करें गर्म हल्का सा, और उसको ठंडे पानी में डाल दें और फिर उसको इस तरह से ऊपर से उठा लें और पुश करेंगे तो सारा पानी उससे निकल जाएगा, तो वो शॉर्टनिंग बन जाएगी। बहुत आसान तरीका है, इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्टनिंग भी बना सिखा दूंगी। बट शॉर्टनिंग अगर आपको बनाना नहीं आती तो आप बाज़ार से परचेज कर लीजिए। अच्छा, शुगर को मेल्ट करने के लिए मुझे चाहिए, आज हम जो है बटर क्रीम में शुगर को डायरेक्ट नहीं डालेंगे, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, बट मैंने ये रेसिपी बनाई है कि हम इसको जो है हल्का सा वाटर में, यानी कि मैं इसमें यूज़ करूँगी कब, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून वाटर, और 3-4 टेबल स्पून में वाटर का सीरप नुमा बना लूँगी, एक पेस्ट नुमा, जिसको हम बटर को बीट करने के बाद उसमें डालेंगे। और वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ, ऑप्शनल वन है, आप कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिस भी फ्लेवर में आप बनाएं, जो भी कलर ऐड करना चाहें, अगर आप पिंक बना रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल लें, जो भी लेमन बना रहे हैं येलो कलर डालना है तो लेमन फ्लेवर डालना है, तो मैं यहाँ पे वाइट बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे वनीला एसेंस डाल रही हूँ, ठीक है। सिंपल सी रेसिपी है, 200 ग्राम्स है मेरे पास शुगर, 250 ग्राम्स है बटर, और 100 ग्राम है शॉर्टनिंग, 3 टेबल स्पून यूज़ करूँगी वाटर, ठीक है। अब जो है सबसे पहले आपने करना है शुगर सीरप को मिक्स बनाना है, इस गर्म पानी को उसमें डालकर मिक्स करना है, और मक्खन को बीट करना है उसमें, शॉर्टनिंग ऐड करके बीट करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये देखिए मैंने पूरे जो है बटर को 7 मिनट तक अच्छे से बीट करके वो कर लिया। अब इसमें मैं शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ जो अभी हमने शुगर और वाटर से बनाया है, और इन दोनों को भी बहुत अच्छे से मैं बीट करूँगी एटलीस्ट 10 मिनट तक अच्छे से बीट करूँगी, ताकि इसको ये जो है बहुत ही अच्छी क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाए। अगेन आपको पता है घर की बटर क्रीम मज़ेदार होती है बनिस्बत बेकरीज के, क्योंकि घर में हम अच्छा बटर जितना यूज़ करेंगे तो बटर क्रीम उतनी ही ज़्यादा हमारी टेस्टी बनेगी, और बेकरीज में तो ज़्यादातर वो शॉर्टनिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से उनके बटर क्रीम में इतना टेस्ट नहीं होता। बट मैं आप लोगों को एक ऐसी ज़बरदस्त फ्रेंच बटर क्रीम बना सिखाऊंगी जिसका टेस्ट लाजवाब है। अच्छा, तो अब हमने जो है इसको बीट करना है। क्रीम हमने पाइपिंग बैग में फिल करके रख दी है फ्रिज में, और अब जो है हम कर लेते हैं केक को सोक। तो सबसे पहले जो है हम केक को रखेंगे और केक को सोक करेंगे। अच्छा, आप जो इवन साइड है वो ऊपर रखिएगा, और जो नीचे जो ऊपर का साइड होता है जिसमें हल्का सा कलर आ जाता है आप उसको बीच में कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो ये रिमूव भी कर सकते हैं, बट मैं इसे रिमूव नहीं कर रही क्योंकि ये क्रीम में ही छुप जाएगा। अच्छा, अब देखिए मैं इसे सोक करूँगी, मिल्क के साथ सोक कर रही हूँ, इसलिए मैं मिल्क के साथ सोक कर रही हूँ, शुगर सिरप या फिर कंडेंस मिल्क से
इसलिए नहीं करें, क्योंकि ये फोंडेंट केक है, ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अच्छा, केक के बाद अगर आपकी जो साइड की किनारियाँ जो है वो ज़रा से क्रिस्पी सी होती हैं, डार्क कलर की हो जाती हैं, तो आपने क्या करना है, उसको रैप कर कर फ्रिज में रख देना है। जब भी यूज़ करें आप उसको फिर निकाल लें, तो इससे ये होगा कि जो उसका मॉइस्चर होगा, पानी भाप जो होगी उसकी अपनी गर्माहट से, वो केक की जो साइडें हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। इस तरह ये ऊपर की लेयर अब बिल्कुल सॉफ्ट है। तो मैंने इतना ज़्यादा, मैं पिंक शेड नहीं ले रही हूँ। अच्छा, सेटिंग से रखिएगा कलर्स को। ये देखिए वाइट है, तो वाइट के साइड पे मैंने येलो रखा है, येलो के साथ मैं जो है रेड कर देती हूँ, ठीक है, और सेंटर पे हम येलो रख रहे हैं, ठीक है, और हम साइडों पे कलर रख रहे हैं, तो इससे ये होगा कि कलर्स जो हैं वाइट के साथ अच्छा खिलकर इसका लुक आएगा। और साथ ही जो है मैंने येलो के साइड में रख दिया है ये पिंक कलर। ओके, लास्ट है मेरे पास ग्रीन। ओके, ग्रीन चला गया यहाँ पे। अब देखें क्या करना है हमने इन सारे कलर्स को। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इनको ट्विस्ट करना है ऐसे। इसको ट्विस्ट कर दिया, फिर इसके बाद ये देखें इसको भी हमने ट्विस्ट किया। हम ज़्यादा ट्विस्ट बस इनके हम ऐसे ही करते हैं, हल्का सा इसको ट्विस्ट कर और इसका जो है पेड़ा बना देंगे, ठीक है। वाओ, कितना प्यारा सा कलरफुल इसका आया, ये देखें कलर आया है। ये देखें, अब हम इसे बेलेंगे। तो कॉर्नफ्लावर डस्ट करें और पेड़े को बेलने के लिए तैयार करें, अच्छे से चिपका लें ताकि एक दूसरे से चिपक जाए, खुले ना। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको बेलते हैं। असल में मैंने कॉर्नफ्लावर इसलिए भी इतने ज़्यादा डस्ट किया है क्योंकि दबा दबा कर मैं इसे प्रेस कर कर जो है बेल रही हूँ, वो इसलिए दबा कर प्रेस कर कर भी मैं इसे बेल रही हूँ ताकि ये जो अलग अलग थी सारी बेलें वो एक दूसरे से चिपक जाएं, सही से कंबाइन हो जाएं, ऐसा ना हो कि मैं जब फाउंडेंट डालूँ तो वो अलग होने लगें, बीच में इसमें से इसके क्रैक्स लाइन्स आ सकती हैं, ये देखें अगेन। तो मुझे इसको अच्छे से प्रेस करते हुए बेलना होगा और मैं इसको काफ़ी थिन बेलूंगी, मुझे जो है फोंडेंट की लेयर मोटी बिल्कुल भी नहीं पसंद।
लास्ट हमने क्या करना है, हमने इससे जरा सा फिनिश लुक देना है। वैसे तो मैंने हाथ से ही इसको स्मूथ कर दिया है, बैठा दिया है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें। अब जो है ज़्यादा ज़्यादा जो है आसानी होगी कि अगर आप इसमें घी या फिर बटर या कुछ भी ऑयल वगैरह लगा कर इसे जो है बनाएंगी। और बिल्कुल प्रेस सही से कीजिएगा ताकि बिल्कुल उसके शेप सही बने। तो इस तरह से जो है हमने बॉल सेट करनी है और पूरे। तो आज की रेसिपी फोंडेंट मार्बल केक जो है तैयार है। ये देखें, इसको जो है हमने सेट कर दिया है और ये जो हल्के हल्के से इसमें जो है नीचे मोतियां भी लगा दी हैं ब्लैक कलर की। आप जो है इसमें और भी तो बहुत तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, इस पर डिफरेंट फ्लावर्स लगाकर और इस पर पाइपिंग कर बहुत तरीके से आप इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। बट मुझे ये सिंपल ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो मैं इसको काट कर खाने वाली हूँ और आपको भी दिखाने वाली हूँ कि इसका एक पीस कितना खूबसूरत बना है ये। तो एक पीस हम जो है कट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो हमने टू शेड्स में कलर लगाया था वो भी कितना खूबसूरत आ रहा है ये देखें। और केक भी बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और सॉफ्ट सा स्पंज। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज की रेसिपी और मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।